नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अपना एक खेत दिखा रही हूँ और इस खेत में हम कुछ काम करेंगे। तो ये जो हमारा फार्म है, इसमें हम जैविक खेती भी करेंगे, उसके साथ साथ वर्मी कंपोस्ट का काम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि खेती करने के लिए सबसे पहले खाद का होना बहुत ज़रूरी है। और ये गेहूँ का बीज है जो आ चुका है, बहुत ही अच्छा बीज हम लेकर आए हैं और पूरी कोशिश रहेगी कि अच्छे से अच्छी तरह से ये ग्रो हो और बिना किसी केमिकल के। तो बुआई स्टार्ट हो गई है और आगे जो भी चैलेंजेस आएंगे वो आपके साथ मैं वीडियोस में शेयर करती रहूँगी। अपनी धरती को अच्छा बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अच्छा खाद का होना। तो वर्मी कंपोस्ट आधार है, इसलिए हमने उसका भी साइड में काम स्टार्ट किया है ताकि वो अपने खेत में भी लगे और बाकी का जो भी बनता है उसको हम सेल कर सकें। और इसी में ये गेहूँ भी बिल्कुल उसी तरह से हैं, जो भी हम पहले खुद खाएं अपने लिए और फिर जो भी बचते हैं वो जिन भी लोगों तक हम पहुंचा पाएं उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो, जिस पर लोग आंख बंद करके विश्वास कर सकें। तो अभी पहली बार ये शुरुआत है, धीरे धीरे ये खेत और भी पूरी तरह से ऑर्गेनिक होता जाएगा, इस बार इसमें कुछ नहीं लगेगा। तो दोस्तों, मन में हमेशा ये बात रहती थी कि जैविक खेती होनी चाहिए, जैविक करनी चाहिए, हम सबको बोलते थे। हम खुद किसान परिवार से हैं तो घर में भी हमेशा हमारी बात होती थी, तो हम कहते थे कि ज़्यादा केमिकल्स मत लगाओ। लेकिन हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा केमिकल्स आजकल लग रहे हैं खेतों में, तो बस हमने सोचा खुद ही इसमें उतरना पड़ेगा। तो यहाँ पर बुआई हमारी हो गई है और एक तरफ हमारा वर्मी कंपोस्ट बनाने का भी यही एक मेन मकसद है कि एक तो अपने खेत में काम आएगा और बाकी का जो भी किसानों तक जाएगा उनको भी फ़ायदा हो, तो वो भी जैविक खेती करें। तो इस तरह धीरे धीरे छोटे छोटे कदम रख के ही बड़ी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर देखिए बुआई हो चुकी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने जो गोबर मंगाया है खाद बनाने के लिए वो कहाँ से लिया है। तो दो तीन गौशाला हैं जहाँ से बात की है, तो गाय का गोबर हमने बिल्कुल साफ़ गोबर चाहिए उसके लिए वो हमने मंगवा लिया है, खेत पर पहुंच चुका है। और अभी उसमें थोड़ा सा हमें वहाँ पे काम कराना है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ आगे। तो यहाँ पर देखिए हमने काफ़ी सारे बैम्बूज ये मंगवाए हैं और यहाँ पर ये बैम्बू से बाउंड्री बनेगी एक, जहाँ पर वर्मी कंपोस्टिंग का काम होगा और बीच में एक हट बनवाएंगे जिसमें कुछ एक्स्ट्रा सामान होते हैं तो वो सब रख सकें। तो एक नेचुरल भी है ये और दिखने में भी सुंदर लगता है और एक सेफ्टी हो जाएगी। सेफ्टी तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बिल्कुल खेत में है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बाउंड्री कराना ज़रूरी था, तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन था। और ये देखिए गोबर पड़ा हुआ है, बहुत ही साफ़ गोबर है। इसमें वर्मी कंपोस्टिंग में यही ध्यान रखना है कि गोबर एकदम साफ़ होना चाहिए और ज़्यादा पुराना ना हो। तो यही सब हो रहा है, अभी देखिए काफ़ी सारा काम अभी हो चुका है और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं तो खुद वर्मी कंपोस्ट कितना यूज़ करती हूँ, बाहर से ख़रीदना पड़ता है, अभी खुद बनेगा और उसको जितना भी अच्छे से अच्छे तरह से हम बना सकें, उसकी लैब टेस्टिंग भी कराएँगे, सब कुछ होगा और उसको अपने खेत में उसका रिज़ल्ट भी देख पाएँ, शेयर कर पाएँ। देखिए दोस्तों, ये इस तरह से ये बना रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और ये इस तरह से पूरे खड़े हो जाएंगे चारों तरफ और इसी से गेट बन जाएगा, तो बहुत ही सुंदर हमारी जगह हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए ये पूरा ये गोबर पड़ा हुआ है जिससे हमारे बेड बनेंगे। तो आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपको दिखाती रहूँगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।